अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है दराज से, मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था पेंटिंग्स का, जो मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसकी जो अनबॉक्सिंग वो आप लोगों के सामने करें। बाय द वे ये मिनी पोस्टर कलर्स हैं, तो अभी मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल था तो बहुत मुश्किल हो रही थी। अंदर से ये निकले हैं, इसमें 15 पीस है तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इनकी प्राइस भी मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गए हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और ये सारे कलर्स हैं तो मैंने उनकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए पेंटिंग भी बनाई है, तो अब हम वो देखते हैं कि वो कैसी बनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ पेंसिल से, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं नहीं बना सकती डायरेक्ट पेंट से, तो मैं पेंसिल से पहले ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने ब्लैक पेंट से ट्री बनाया, और मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है पेंट्स की, मतलब जैसे होती है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है, आराम से आप मतलब कर सकते हो। और कलर भी काफ़ी अच्छा है, डार्क है, पिगमेंटेड है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोग पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड हो तो बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्री ड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद मैंने कॉटन बर्ड की हेल्प से इसमें फ्लावर बनाए थे, मतलब कॉटन बर्ड से डॉट डॉट बना दिए थे और वो फ्लावर जैसे दिख रहे थे। इससे काफ़ी ईजी हो जाता है पेंटिंग करना, इसको हैक भी बोल सकते हैं कि कॉटन बर्ड से इजीली आप पेंटिंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती पेंटिंग करना या आपसे नहीं बनती, तो आप इजीली कॉटन बर्ड से आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो कलर का यूज़ किया है, रेड एंड ऑरेंज, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर बना दिए थे ग्रास टाइप कुछ, ताकि देखने में ऐसा लगे ना कि सुबह हो रही है और वो चिड़िया जा रही है। चिड़िया थोड़ी सी अजीब लग रही है बट अच्छी है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।